मैंने एक मन ने एक भैंसी भी पाल रखी है, मन ने एक गाय भी पाल रखी है, जय जवान जय किसान जैसा कि नारा है। तो देखिए हाथ हमारे कितने सुंदर थे और कैसे हो गए। 24 कैरेट गोल्ड चुके हैं पेड़ में और इतनी सारी मट्टे धनिया निकली हुई है, भिंडियाँ निकल रही हैं और इसमें सब सब्जियाँ हैं, लौकी तरोई। झोला जैसा पैंट और हम तो आज चल रही है फार्मिंग और हमारा फोन बैक पैनल भी टूट गया है। तो इधर देखिए खुदाई उदाई करी गई है, इस साइड कुछ लगाया गया। पहले ब्लॉग बनाने का मन नहीं था, फिर हमने सोचा कि लाइए बना ही लेते हैं, बहुत दिन से कुछ बनाया नहीं गया तो एक अपडेट यही दे दिया जाएगा। तो अभी हम लोग थोड़ा सा फार्मिंग में अपने ध्यान दे रहे हैं। जैसा कि आपको ये दिख रहा है, ये हमने सेब का पेड़ लगाया है यहाँ पे और उस साइड लौकी और उनके बीजे डाले हैं। कुछ ककड़ी वकड़ी भी यहाँ पे हम लोग बोएंगे, ये भी सेब का पेड़ है। यहाँ पे कुछ पपीते के पेड़ लगाए, लीची ऑलरेडी इस बार उसमें लीची आई भी है, इवन 2-3 साल हो गया। अभी मैंने जैसे ही आपने छोटी सी क्लिप देखी होगी, मैंने दवा भी डाली है। अभी इस पर देखिए दिख रही है वो लीची भी इसमें आई है और इधर भी अमरूद, अमरूद के जो हैदराबादी अमरूद होता है रेड कलर का, बड़ा सा मोटा सा बड़ा सा जो अमरूद होता है वो वाला भी हम लोगों ने लाया है। ब्लॉग बना रहा हूँ, आओगी ब्लॉग में? देखिए मम्मी मम्मी कह रहे हैं कि हाँ पेड़ गाड़ रहे हो या फिर वीडियो बना रहे हो। तो गाइस बस यही सब है फार्मिंग वार्मिंग। देखिए नींबू वीमू में फल आ गया है, इस साइड भी हम लोगों ने कुछ गाड़ा है यहाँ पे और इनके अंदर भी एक एक दो दो डाल दिया। ये देखिए जो बाहर का बेल होता है, बेर इतना बड़ा साइज का, ये केप पेड़ है, एक वो पेड़ है, ये जब 2-3 साल में इवन तैयार होगा जब कभी भी। और ये लीची का पेड़ यहाँ पे लगाया गया है, अमरूद इधर लगा है और इस साइड फार्मिंग वार्मिंग प्रॉपर तरीके से अच्छे अच्छे प्लांट लगा रहे हैं। और हम लोग सोच रहे हैं अवकाडो पता नहीं क्या बोलते हैं फल का नाम, जो है जो भी है पता नहीं, इतना हम लोग नहीं वो भी सोच रहे हैं वो भी लगा देते हैं। लीची वीची है, चीकू लगा देते हैं, शरीफा भी यहाँ पे है, नाशपाती भी यहाँ पे है, अमरूद भी है, आम भी है, आम में भी ऑलमोस्ट सब कुछ आया हुआ है। तो मतलब ऑलमोस्ट सारे के सारे फल हम लोग यहाँ पे एक बार वन बाय वन सेटअप कर रहे हैं। तो जो इतना भी झाड़ फंकूस है वो थोड़ा हम लोग छांट वाँट के यहाँ पे प्रॉपर तरीके से फार्मिंग करेंगे और फार्मिंग करेंगे हम लोग एकदम नेचुरल तरीके से, मतलब प्राकृतिक, कोई भी खाद नहीं, मतलब खाद के नाम पे हम लोग केवल गाय का गोबर और नॉर्मल सी दवाएं यूज़ करेंगे, जो कि एक ऑर्गेनिक खेती बोलते हैं इसको। गाइस तो देखिए इसमें बीज हैं खूब सारे, तरोई करेला कद्दू भिंडी और बस वही। अभी यहाँ पे ये वाला जो है भिंडी वाला एरिया है, तो यहाँ पे भिंडी कर रहे हैं और भी बीजें रखे हैं, वो भी मैं दिखाता हूँ आपको। गाइस अगर आप फार्मिंग नहीं कर पाते हैं तो आइए मैं सिखा दूंगा, आइए मैं दिला दूंगा, वो वाला हाल है। तो आइए मैं सिखा दूंगा, हमको भी नहीं आती लेकिन टाइम पास करने के लिए कर रहे हैं। ये देखिए भिंडी का बीज, धनिया होती है पूरी टोटल गोल और उसको हम लोगों को इसको थोड़ा प्रेशर देने के बाद इसके बीज अलग हो जाते हैं, जो कि दिख रहे होंगे आपके सामने। इसको अब हम लोग गाड़ सकते हैं। गाइस देखिए पीछे मैंने एक मन ने एक भैंसी भी पाल रखी है, मन ने एक गाय भी पाल रखी है, मैं खेती भी करता हूँ। मम्मी देखिए ऊपर से नज़ारे ले रही हैं और देसी बालक गम के। गाइस जो है गांव में सब चीज़ें इजी मिल जाती हैं, तो अभी हम लोग एक बोरी पांच से यहाँ से लेने आए हैं, ये कि गोबर की पांच जो कि डालेंगे अपने खेत में। खेती भी है काफ़ी डिफिकल्ट, एक बोरा तो काफ़ी वेटेड है, बाकी मैं जिम भी जाता हूँ तब भी उठाने में इतना वेटेड लग रहा है। तो जय जवान, इसलिए जवानों की इज्जत करनी चाहिए। तो वो डायलॉग ही ऐसे हैं कुछ कि क्या बोल सकते हैं, मैंने किसान की जगह जवान बोल दिया, तो जवान भी जय जवान जय किसान जैसा कि नारा है। और वही हम लोग अपनी अभी एक बोरी खाद अपने पीछे बैग पर लादे हुए हैं, जा रहे हैं अभी उसको डालेंगे और पेड़ वेड़ लगाएंगे। गाइस तो देखिए हाथ हमारे कितने सुंदर थे और कैसे हो गए हैं। अभी इधर भिंडी विंडी गाड़ी है, वहाँ पे बाड़ा है, खीरा और ककड़ी वगैरह, और इस साइड धनिया गाड़ी है, यहाँ पे गाड़ने के लिए बचा है, इसमें कुछ लौकी तरोई वगैरह गाड़ा गया है। ये हमारे पुराने पेड़ हैं जो कि हमने लगाए थे, उसमें भी पूरा रिफिल कर दिया गया खाद। और अभी हालत ऐसी है और हमारी हालत ऐसी है, फिलहाल चलते हैं नहाते वहाते हैं, उसके बाद आगे का ब्लॉग वहीं बना। देखिए जैसे हम लोगों को अपने जो सेब का पेड़ लगाया था उसमें देखिए यहाँ पे कुछ कीड़े वीड़े हो गए हैं, तो इसमें कीटनाशक दवाई डालनी पड़ेगी और यहाँ पर जाला वाला बना दिया है। अगर ये सब छोटी छोटी चीज़ें ना देखो तो पेड़ 2 दिन के अंदर ख़राब हो सकता है। आज मैं ऐसे ही वॉकिंग करने के लिए आया था कि कितना क्या प्रोग्रेस है, तो
ये वाला सेव में डंडी लगाई है बिकॉज ये टेढ़ा जा रहा था। और देखिए गाइस यहाँ से ये बड़ी हो गई, इतनी बड़ी हो जाती है ताकि हम बड़े बड़े पेड़ पे भी दवा डाल सकें। और हम आ गए आगे वाले अपने लॉन में, यहाँ पे लगा रखा है हमने अनार, एक ऑरेंज का संतरे का पेड़, और यहाँ पे नींबू का पेड़ है, और दो बोटल पाम लगे हुए हैं यहाँ पे सामने, और ये मनी प्लांट इसी पे लगा हुआ है। तो हम लोग अभी नींबू पे डालेंगे कीटनाशक वाली दवाई। तो गाइस बाहर की खेती करने के बाद अब हम लोगों ने इंडोर भी खेती करना स्टार्ट कर दिया है। चीज़ें हमने जो है ऑर्डर करके मंगाई थी फ्लिपकार्ट से। तो ये देखिए ये कैरी बैग है, ये अभी ओपन करके मैं दिखाता हूँ आपको। एक बड़ा बाउल में एक है मिट्टी, इसमें जो है ये मिट्टी का सॉइल अच्छा करने के लिए एक प्रोडक्ट है, ये भी मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया। अगर आपको चाहिए तो लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और एक ये है शायद नीम का कुछ, नीम से रिलेटेड उनकी पत्तियां और वो चीज़ें, तो ये मिट्टी को थोड़ा और मजबूत करती है। इसमें है देखिए, मैंने पार्सल अनबॉक्स कर लिया है, तो नारियल के ये कुछ होते हैं छिलके टाइप के वो, और इसमें थोड़े से हार्ड वाले हैं, और इसके अंदर भी सेम नीम से बनी हुई चीज़ें हैं। देखिए बॉक्सेस हैं लॉन्ग साइज़ के, और ये जो साइज़ है ये छोटा है चौकोर, इसमें आप घर में आप धनिया वनिया उगा सकते हैं। तो ये देखिए नारियल का सॉइल, और ये है मिट्टी, और इसमें कुछ एडवर्टाइज मिला है, हम लोगों ने इसको बाय किया है। देखिए दो टाइप के हैं नारियल की खली, और ये एक डार्क है, तो ये थोड़ा सा देख रहे हैं कितना टाइट टाइट सा है, ये थोड़ा हल्का सा नम भी है। और इसमें है नीम की खली, और ये इस वजह से होता है ताकि कीड़े वीड़े ना लगें, जड़ें ना ख़राब हों, तो इसलिए इसको भी डालेंगे और मिट्टी डालेंगे, सब चीज़ें मिलाएंगे, दवा भी मिलाएंगे। ये है महाराष्ट्र की ऑर्गेनिक बढ़िया एकदम सॉइल, और इसको भी मिला दिया गया है। और ये वाला पैकेट भी फाड़ो, ये देखिए द लास्ट, इनसे रूट बहुत ज़्यादा जल्दी ग्रो करती हैं और बहुत ज़्यादा मोटी मोटी होती हैं, बहुत हल्का मतलब काइंड ऑफ लाइट वेट एकदम ये चीज़ तैयार हो। यस 24 कैरेट गोल्ड, तभी तो पौधे जल्दी ग्रो करेंगे। भाई सब कुछ मिलने के बाद बहुत ज़्यादा जो है महक रहा है, ये बहुत अजीब सी स्मेल आ रही है इसमें। फिलहाल इसको मिलाते हैं और ये सारे कैरी बैग तैयार करते हैं। गाइस देखिए एट द लास्ट ये नीम के फूल हैं, इनको भी खाद के तौर पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जब सड़ जाएंगे तो आपकी जो सॉइल होगी वो एकदम हाई क्वालिटी बन जाएगी। और इसमें हमने गाय का गोबर भी डाला हुआ है, और फाइनल जब ये मिलेगा पूरा प्रॉपर तरीके से तो इसका कुछ लुक अलग ही आने वाला है। मिट्टी गाइस इसमें मिलाई जा रही है खाद में आज, और हो गया लगभग 3-4 दिन बाद। गाइस तो देखिए मैंगवे यहाँ पे लग चुके हैं पेड़ में, और इतनी सारी मिट्टी बच भी गई है। यहाँ पे अमरूद लगा हुआ है, स्ट्रॉबेरी के पुराने पेड़ हैं, फूल आते हैं लेकिन स्ट्रॉबेरी आना बंद हो गई है। आई है एक देखो छोटी सी ऑफ सीज़न स्ट्रॉबेरी, छोटी सी ज़रा सी, ये भी इसी में ख़राबी हो जाएगी। ये भी स्ट्रॉबेरी का पेड़ है, ये अंगूर का पेड़ यहाँ पे लगाया है, ये लगाया है चेरी का पेड़, ये जायफर और इलायची लॉन्ग है, इलायची नीचे लगा रखा है मैंने, ये सब गमले हैं और ये सब हैं, और वहाँ पे भी गार्डन है। तो कुछ पेड़ यहाँ पे भी लगे हुए, नीचे का सेशन है, इसको भी लगाने हैं दोनों। ये पता नहीं अब सेब क्यों सूख गया है, ये बाहर से लगा के मैंने खोद के काफ़ी बड़ा पेड़ था इतना लॉन्ग साइज़, तो ये लगाया गया था। और ये सब देखिए सब्जी जब बोई थी तब, और आज का अपडेट ये, धनिया निकली हुई है, भिंडियाँ निकल रही हैं, और इसमें सब सब्जियाँ हैं, लौकी तरोई और यही सब चीज़ें हैं। और वहाँ पे भी भिंडी भिंडी सब लगा रखी है, नारियल के पेड़ यहाँ पे दो लगा दिए हैं, बेर वेर इंस्टॉल पहले ही लगाया गया था। ये बादाम का पेड़ है ये वाला जो आप देख रहे हैं, तो बस यही सब अपडेट है अभी का। इस साइड देखिए यहाँ पे करेले वरेले लगाए गए हैं ये, और इनका भी छाने वाला कुछ बनाना है। एक पेड़ लगाया मैंने यहाँ पे, पपीता पीता लगा रखा है, सेब का पेड़ यहाँ पे एक वहाँ पे, और ये है चंदन का पेड़, ये रहा लीची, लीची भी निकली आपको दिखाते हैं। तो गाइस देखिए फर्स्ट टाइम जो है लीची आई हुई है, कुछ एक दो करके आई हुई हैं ये देखिए, और शायद बहुत जल्द और भी लीची आ जाए। यहाँ पे देखिए कुछ लगी हुई हैं लीची, ये देखिए कीवी का पेड़ है, इसमें हल्का हल्का निकलना स्टार्ट हो गया है। ये है लौंग का शायद पेड़, और ये रहा इलायची का पेड़, ये रखा नाशपाती का पेड़, ये है ग्रेट फ्रूट का पेड़, ये भी लगाना है, लगाने के लिए ख़रीद के लाए गए थे।
तो आई होप आपको वीडियो एंड ब्लॉग अच्छा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब। और ये ब्लॉग बनने में लगभग लगभग लगा है हमको पूरा एक महीने पहले मैंने फसल बोई थी, लगभग 1.5 या 2 महीने भी हो गए होंगे, और आज जाके ब्लॉग कंप्लीट किया ताकि